डी स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जी इज़ नॉर्मल टू फैमिली ऑफ एच के एल प्लेन्स, ये हमने लास्ट क्लास में प्रूव किया था। और इन जनरल हमने देखा था कि जी इज़ इक्वल टू एम वन ए स्टार प्लस एम टू बी स्टार प्लस एम थ्री सी स्टार, वेयर एम वन एम टू एम थ्री आर मिरर डिसेस ऑफ प्लेन, जिसको एच के एल से लिखते हैं और यहाँ पर इसको एम वन एम टू एम थ्री से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो आज के हम क्लास में सॉरी लास्ट क्लास में हमने रिलेशन भी फाइंड किया था बिटवीन ए बी सी एंड ए स्टार बी स्टार सी स्टार, इसका प्रूफ किया था हमने, दैट इज ए स्टार इज इक्वल टू टू पाई बी क्रॉस सी ओवर ए डॉट बी क्रॉस सी। नाउ आज की क्लास में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक सिंपल क्यूब लैटिस है, डायरेक्ट लैटिस जो है, जो ओरिजिनल लैटिस है वो सिंपल क्यूब है, और उससे जो रेसिप्रोकल लैटिस बनेगी उसकी साइड्स किसकी इक्वल होंगी या वो कौन सी लैटिस बनेगी। तो उसके लिए हम सिंपल क्यूब के लिए हमें पता है कि इसमें तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, लेकिन उनकी जो है वो डायरेक्शन डिफरेंट होती है। लाइक के अगर ये अगर मैं एक सिंपल क्यूब बनाऊं तो इसकी तीन साइड्स कौन कौन सी होंगी, नंबर वन ये एक साइड, ये वाली, ठीक है, ये है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस ये साइड ए, और इसकी अगर साइड डायरेक्शन भी लिखें तो वो बनेगी एक्स यूनिट वेक्टर। इस तरीके से ये साइड यहाँ तक, ये साइड बी बी और वाई यूनिट वेक्टर, और ये साइड सी और जी यूनिट वेक्टर। तो तीन हमारे पास आ जाएंगी ए अलोंग एक्स यूनिट वेक्टर। अब इसमें चूंकि ये बी जो है, बी वाई यूनिट वेक्टर, इनकी मैग्नीट्यूड सेम है, ए बी सी तीनों की मैग्नीट्यूड सेम है, तो इन तीनों को हम ए बी सी की बजाय सिर्फ ए भी लिख सकते हैं, बिकॉज ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, मीन ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी मैग्नीट्यूड। सो इसकी जो ए बी सी साइड्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स एंड आर गिवन बाय ए एक्स यूनिट वेक्टर, ये वाली साइड, फिर ये वाली बी वाई यूनिट वेक्टर है, लेकिन चूंकि ये ए और बी इक्वल है तो इसको लिख सकते हैं ए वाई यूनिट वेक्टर, बिकॉज ए इज इक्वल टू बी, और सी भी ए के इक्वल है तो इसको लिख सकते हैं ए जी यूनिट वेक्टर, मतलब ए बी सी के बजाय तीनों को ए ए ए नाम दे दिया। सो ये बेसिकली जो हमारे पास तीन साइड्स आएंगी, ये ए बी सी, उनको तीनों को हमने यहाँ ए से रिप्रेजेंट कर लिया, साथ उनके यूनिट वेक्टर्स आ गए। अब ये हमें पता है कि ये रेसिप्रोकल लैटिस जो साइड है प्रिमिटिव यूनिट सेल की एक साइड, वो किसके लिए, ए स्टार इज इक्वल टू टू पाई बी क्रॉस सी ओवर ए डॉट बी क्रॉस सी। दिस इज फॉर ए स्टार फॉर इज करस्पॉन्ड टू रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, और बी सी और ए डॉट बी का सी, ये जो साइड्स हैं ए बी सी, ये रियल लैटिस की हैं। अब हम ए बी किसी वैल्यू यहाँ वैल्यूज यहाँ पुट कर लें, मीन बी क्रॉस सी है, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, अब बी किसकी इक्वल है, वो हमारा देखिए ये वेक्टर ए था, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है, ये बी था और ये सी था, तीनों ए के हमने ऊपर मेंशन कर दिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इनकी वैल्यूज पुट कर दें, ए बी किसके लिए, बी वाई यूनिट वेक्टर, और सी किसके लिए, ए जी यूनिट वेक्टर, ए जी यूनिट वेक्टर। सो वो इनका राइट ए क्रॉस ए वाई क्रॉस जी, ठीक है, ए इंटू ए, ये हमारे पास बन जाएगा ए स्केयर, मीन जब यहाँ इसमें पुट करेंगे ए क्रॉस ए स्केयर और इंटू वाई क्रॉस जी यूनिट वेक्टर, और y क्रॉस z, ये अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट से देखें तो ये x के इक्वल आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आपने दिया हुआ है, देखा हुआ है कि वो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जो आप पहले पढ़ चुके हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा ए स्केयर एक्स यूनिट वेक्टर, इनके ये ऊपर आ जाएगा ए स्केयर एक्स यूनिट वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब डिनोमिनेटर में देखें
ये ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ए की बजाय ए एक्स आ गया, बी की बजाय ए वाई और सी की बजाय ए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपल ए क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये तो वैसे भी वॉल्यूम होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी इसका वॉल्यूम आ जाएगा जो कि ए क्यूब है, क्योंकि तीनों साइड इसमें ए है। तो सो ये हमारे पास कट जाएगा ए स्क्वायर, ए क्यूब से कट के तो ए रह जाएगा, सो वी गेट एक्स ओवर ए, और ये टू पाई ये वाला एज इट इज, टू पाई एज इट इज़ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, सो वी गेट टू पाई ओवर ए एक्स यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये एक हमारे पास एक साइड आ गई ए स्टार। इस तरीके से आप जो बी स्टार है, बी स्टार ये जो दूसरा रिलेशन है, ये इसमें ये वैल्यू पुट करें, यही वैल्यूज ये वाली ए एक्स पे, और सी स्टार में पुट करें, ये सॉरी जो सी स्टार टू पाई ए क्रॉस बी ओवर, तो हमारे पास आ जाएगा बी स्टार इज इक्वल टू टू पाई ओवर ए वाई यूनिट वेक्टर, और सी स्टार इज इक्वल टू टू पाई बी जी यूनिट वेक्टर। ये मेरे पास आ जाएंगी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स की साइड्स आ जाएंगी। तो इसमें देखेंगे ए स्टार अगर आप देखें तो ये भी एक क्यूब बनेगा, जिसकी एक साइड क्या होगी, ये होगी टू पाई बाई ए और एक्स यूनिट वेक्टर, फिर दूसरी साइड क्या होगी अलॉन्ग वाई यूनिट वेक्टर, और तीसरी साइड क्या हो जाएगी टू पाई बाई बी अलॉन्ग जी यूनिट वेक्टर। इसी तरह का क्यूब बनेगा, उसकी साइड्स ये आ जाएंगी टू पाई टू पाई टू पाई, टू पाई बाई ए, टू पाई बाई ए और टू पाई बाई ए। अच्छा, अब दीज सो दीज इक्वेशन रिप्रेजेंट द म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड टू पाई बाई ए, दिस शो दैट रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ ए सिंपल क्यूब इज अनदर सिंपल क्यूब, क्योंकि ये भी एक क्यूब अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये भी क्यूब बनेगा, उसकी एक साइड क्या आ जाएगी टू पाई बाई ए, ये भी टू पाई बाई ए, ये भी टू पाई बाई ए, और एक्स वाई जेड ये डायरेक्शन आ गई। तो इसका मतलब है कि अगर आप सिंपल क्यूब है रियल लैटिस उसकी रेसिप्रोकल लैटिस बनाएं तो वो भी सिंपल क्यूब बनेगी। सो वी कैन से रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ ए ऑफ सिंपल क्यूब इज आल्सो आ सिंपल क्यूब, मीन कि अगर रियल लैटिस सिंपल क्यूब है तो उसकी रेसिप्रोकल लैटिस भी सिंपल क्यूब बनेगी। ठीक है, अब इसी तरीके से नेक्स्ट हम ये हमने सिंपल क्यूब का कर लिया है, तो आगे हम देखते हैं बीसीसी के लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए। बीसीसी के लिए जो हमने ऑन कैंपस क्लास की थी उसमें हमने बीसीसी ड्रॉ किया था कि अगर हमारे पास बीसीसी है तो उसका प्रिमिटिव यूनिट सेल कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन जो है ये प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए हैं। ये भी साइड जो आती हैं ए बी सी, ये मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ कि ये भी प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए होती हैं। तो अगर हम आप रिमाइंड करें तो हमने ऑन कैंपस जब वो प्रिमिटिव यूनिट सेल ड्रा किए थे बीसीसी के लिए और एफसीसी के लिए, तो उसके जो वेक्टर्स बन रहे थे, जो साइड्स बन रही थी, उनको कहेंगे प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स। ठीक है, ऑफ बीसीसी दैट इज वो इक्वल थे ए इज इक्वल टू वन बाई टू ए एक्स प्लस वाई माइनस जी। ठीक है, उसमें जस्ट करें कि एक एटम को आप ओरिजिन ले लें और उसके रेफरेंस से आप बाकी आइटम्स को आप मिलाते जाएँ, तो हमारे पास ये ए बी सी तीन साइड्स आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा अब ये करें कि जिस तरह हमारे पास सिंपल क्यूब में हमने किया था कि हमारे पास ये तीन साइड्स आई थी ए बी सी, उनको हमने इसमें पुट कर लिया था इस रिलेशन में। इस तरीके से अब सिंपल क्यूब के लिए सॉरी बी सी सी के लिए जो तीन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वैक्टर्स हैं वो ये हैं ए बी सी। ठीक है, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वैक्टर कह लें या उसकी साइड्स कह लें, तो ये आप इस रिलेशन में पुट करें, इस रिलेशन में, इसमें ए स्टार इज इक्वल टू टू पाई बी क्रॉस सी ओवर दिस, इसमें बी क्रॉस सी पहले आप डॉट प्रोडक्ट, यहाँ से हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, ए बी क्रॉस सी ये जो है हमारे पास बी क्रॉस सी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें। ठीक है, और इस तरीके से ए डॉट बी क्रॉस सी निकाल के इसमें पुट करें, तो हमारे पास जो ए स्टार की वैल्यू होती है वो इज इक्वल टू वो आती है इज इक्वल टू टू पाई बाई ए एक्स प्लस वाई यूनिट वेक्टर, और बी स्टार इज इक्वल टू टू पाई बाई ए वाई प्लस जी यूनिट वेक्टर, और सी स्टार इज इक्वल टू टू पाई बाई ए जी प्लस एक्स यूनिट वेक्टर। ये सिंपल है, ये जस्ट आपने ये करना है कि आपने ये वैल्यूज यहाँ से पहले आप ये निकाल लें ए क्रॉस बी, जिसका क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालते हैं, फिर बी क्रॉस सी और फिर सी क्रॉस ए, ये वैल्यूज निकाल लें, और ए डॉट बी क्रॉस सी मतलब बी क्रॉस सी उसका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ, ये वैल्यूज निकाल लें अलग अलग और उनको फिर आप इन रिलेशन में पुट करें, बी क्रॉस सी का आंसर यहाँ पुट करें और ए डॉट बी क्रॉस सी ये फिक्स नंबर आ जाएगा ये यहाँ पुट करें, और वी गेट ए स्टार, ए स्टार किसकी कल आ जाएगा, ये आंसर आना चाहिए हमारे पास टू पाई बाई ए एक्स यूनिट वेक्टर प्लस वाई यूनिट वेक्टर, सिमिलरली बी स्टार और सी स्टार। तो ये मैथमेटिकल स्टेप्स हैं कुछ, ये हम फाइंड करें तो ये जो रिलेशन है अगर हम
देखें कि अगर हमारे पास एक एफ सी सी यूनिट सेल है, उसके जो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स और एफ सी सी, वो इसके इक्वल होते हैं। ए इज इक्वल टू ए बाई टू एक्स प्लस वाई, बी इज इक्वल टू ए बाई टू वाई प्लस जी, सी इज इक्वल टू ए बाई टू जी प्लस एक्स। ठीक है, ये थोड़ा मैं रिपीट भी करा देता हूँ कि अगर हमारे पास ये एफ सी सी है, सीसी यूनिट सेल है और इस पे ये ओरिजिन हो गया, इसमें हमने देखा था कि इसका प्रिमिटिव यूनिट सेल कैसे बनता था, वो अगर आपको याद हो तो इसमें ये, अगर मैं ये इसको रेफरेंस कह दूं, इसको रेफरेंस कह दूं, ये ओरिजिन पर है, तो एक ये वाला एटम इसको जो फेसेस टच कर रहे हैं, इसमें से जो फेसेस पास कर रहे हैं, एक ये वाला फेस है, एक ये पिछले वाला फेस है, ये पिछले वाला, ये फेस इसका सेंटर एटम और एक निचले वाला फेस इसका सेंटर एटम, ये इन तीनों में से जो है वो पास कर रहे हैं। ठीक है, अब इनमें से आप इनको अगर मैं नाम दे दूं, इसको कह दूं एक्स, ठीक है, इसको कह दूं वाई और इसको कह दूं जी। ठीक है, सो वी गेट, अगर ओरिजिन इसको, ये ओरिजिन है, तो इसको अगर मैं यहाँ से ये निकालूँ, एक साइड ये बनती है, ठीक है, ये किसके इक्वल बनेगी, ये हाफ है डेफिनेटली, ये सेंटर पर है ना, ये हाफ मीन एक्स हाफ वाई हाफ और जी क्या जीरो है, और ये साइड हमारी ए है, ये पूरी साइड ए है, ये भी ए है, ये साइड ए, ठीक है, ये दूसरी साइड भी ए और ये साइड भी ए, तीनों साइड ए हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये अगर यहाँ से ये निकालें, ये निकालें, ये एक्स इंटरसेप्ट, तो ये बनेगा ए बाई टू, ठीक है, ए बाई टू। अच्छा, वाई निकालें यहाँ से यहाँ, तो वो भी ए बाई टू, ठीक है, और अगर जी निकालें, जी ऊपर जीरो है, तो इसमें से तीनों में से अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो एक्स, ठीक है, वाई और जी यूनिट वेक्टर, और ये जो, ये इसको पूरे का वेक्टर का नाम दे दें, कोई कोई इसको मैं ए वेक्टर कह दूँ, इस तरह इसको ए वेक्टर कह दूँ, ये तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए बाई टू एक्स, ए बाई टू वाई, ए और जीरो, और ए इसमें से ए बाई टू कॉमन ले लें, ठीक है, तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, ये तो जीरो हो गया, जीरो है, तो हमारे पास बन जाएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है, तो ये एक हमारे पास आ जाएगा प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ एफ सी सी, ये यहाँ पर ए बाई टू एक्स प्लस वाई, ये वाला, ये ऊपर आ गया। इस तरीके से आप, अब इसका निकालें, इस वाले का निकालें, ठीक है, तो वो बन जाएगा बी इज इक्वल टू ए बाई टू वाई प्लस जी, और इसका निकालें, ये इस वाले का, ये वेक्टर, ठीक है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, ये बी, और इसको क्या नाम दे दिया, ये सी। इस तरीके ये सी निकालें, जिस तरह हमने ये निकाला था इसके पॉइंट, फिर वेक्टर फॉर्म में एक्स वाई जी, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, सी इज इक्वल टू ए बाई टू जी प्लस एक्स। ठीक है, तो जो एफ सी सी के हमारे पास आते हैं प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर एफ सी सी के, वो इसके इक्वल होती हैं। अच्छा, हम वापस आते हैं इधर, हमने बी सी सी के प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर ये देखे थे, ये भी आप उससे निकाल सकते हैं, अगर आप पिछली फिगर ओपन करें तो उसमें से ये भी आप ये निकाल सकते हैं, जिसमें मैंने ये एफ सी सी के निकाले हैं, तो ये बी सी सी के थे ये तीनों, इनको मैंने इस रिलेशन में पुट किया, इक्वेशन ए में इसमें पुट किया, यहाँ पर इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास ए स्टार बी स्टार सी स्टार की वैल्यूज़ आ गई, वो इक्वल है टू पाई बाई ए एक्स प्लस वाई, टू पाई बाई ए वाई प्लस जी, टू पाई बाई ए जी प्लस एक्स। अगर आप गौर से देखें तो ये बी सी सी थी, जब हमने इसको पुट करके ए स्टार बी स्टार सी स्टार निकाले, तो इनको गौर से देखें तो ये एफ सी सी के साथ मैच कर रही हैं,
देखें x प्लस वाई, एक्स यूनिट वेक्टर प्लस वाई यूनिट वेक्टर, और ए बाई टू, और इधर क्या है 2π/a, क्योंकि ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है। इसी तरीके से जो दूसरा क्या था, b इज इक्वल टू वाई प्लस जी, और इधर क्या है 2π/a वाई प्लस जी, 2π/a वाई प्लस जी, इधर भी उधर भी, इधर जी प्लस एक्स, इधर भी जी प्लस एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास बी सी सी लैटिस है तो उससे जो आप पिरामिड, उससे जो रेसिप्रोकल लैटिस बनती है ये, ठीक है। बी सी सी लैटिस कौन सी थी, उसके रेसिप्रो, उसके ट्रांसलेशन वेक्टर ये थे, पिरामिड ट्रांसलेशन वेक्टर। उससे अगर आप बी सी सी लैटिस बनाएं तो उसके ट्रांसलेशन वेक्टर बनेंगे ए स्टार बी स्टार सी स्टार, वो इसके इक्वल हैं। और ये अगर आप देखें तो ये एफ सी सी के साथ मैच करें, इसका मतलब है कि जो रेसिप्रोकल लैटिस बी सी सी की जो रेसिप्रोकल लैटिस बनती है वो एफ सी सी बनती है। मीन के हमारे पास जो डायरेक्ट लैटिस थी, सैंपल था, मटेरियल था, वो बी सी सी था। उसमें से जब एक्स रे डिफ्रेक्शन करके आप बी सी सी सॉरी रेसिप्रोकल लैटिस बनाएंगे तो वो एफ सी सी बनेगी, ठीक है। और जहाँ से इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो इसकी एक साइड क्या आ जाएगी, ये 4π/a, क्योंकि ये यहाँ पर 2 होता है एफ सी सी में, ये नीचे 2 होता है, तो इसको मैं नीचे 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ ताकि नीचे 2 आ जाए, तो वो उधर पर आ जाएगा 4π/a। तो इसकी जो एक साइड बनेगी वो क्या बनेगी, एफ सी सी से कंपेयर करेंगे तो वो विद लैटिस कॉन्स्टेंट 4π/a आएगा इसका, ठीक है। और इसका वॉल्यूम निकालें वो ए डॉट बी क्रॉस सी, तो वो आ जाएगा 16π³/a³। इट मीन्स कि अगर हमारे पास डायरेक्ट लैटिस सिंपल क्यूब हो तो उसकी रेसिप्रोकल लैटिस भी क्या बनेगी, सिंपल क्यूब बनेगी, ये हमने देख लिया। और अगर डायरेक्ट लैटिस जो रियल लैटिस है वो बी सी सी हो तो उसकी रेसिप्रोकल लैटिस क्या बनेगी, एफ सी सी। इसी तरीके से अगर ओरिजिनल लैटिस एफ सी सी है तो उसकी जो रेसिप्रोकल लैटिस है वो बी सी सी बनेगी, ठीक है। वो हम यहाँ उसमें भी ये करेंगे कि उसमें आप अपने उसमें ये करना होगा कि इसमें ये जो वैल्यू है एफ सी सी की, ये वाली 3a, यहाँ से आप a क्रॉस b, b क्रॉस c, c क्रॉस a निकालें, फिर a डॉट b क्रॉस c निकालें, और इसको आप इन इक्वेशन a में यहाँ पुट कर दें इसमें, ठीक है। तो उससे जो हमारे पास साइड बनेगी एग्जैक्टली ऐसी जैसे हमने ये की है बी सी सी के लिए, तो उससे जो साइड बनेगी वो ये बन गई हमारे पास 2π/a एक्स प्लस वाई। ये प्लस माइनस बेशक अभी आप माइनस छोड़ दीजिए, इससे ज़्यादा प्लस होंगे या माइनस होगा वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह आपने पिरामिड यूनिट सेल बनाया है। फिर बी स्टार इज इक्वल टू 2π/a जी प्लस एक्स, और 2π/a ये आप जब करेंगे तो आपके पास इसमें प्लस माइनस के साथ या सिर्फ प्लस या माइनस को ये आ जाएगा और ये आंसर आना चाहिए। तो ये आप लोगों का ये असाइनमेंट है कि आपने ये सिंपल क्यूब वाला दोबारा ये खुद करना है स्टेप्स, और इसी फिर ये पी सी सी के ये प्रूव करना है, और ये एफ सी सी के प्रूव करना है कि अगर आप एफ सी सी है ओरिजिनल, उसका जब रेसिप्रोकल लैटिस बनाएंगे तो ये बनती है, जो कि बी सी सी है। अच्छा तो आपने ये एज असाइनमेंट ये करना है, आपने शो करना है दैट के रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूब इज सिंपल क्यूब, reciprocal lattice of BCC is FCC and reciprocal lattice of FCC is BCC। ये आपने पूरा मैथमेटिकली स्टेप करके ये असाइनमेंट ये सॉल्व करनी है और फिर मुझे सबमिट करानी है। अच्छा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ एक्स रे स्कैटर्ड वेव बाय अ सिंगल प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड देन बाय अ होल लैटिस। मीन के अभी हम देखेंगे कि जो हमारे पास एक्स रेज जो हमने थ्रो किए मटेरियल के ऊपर, वो जब डिफ्रैक्ट होके आएंगी उनका जो एम्पलीट्यूड होगा वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। जैसे हमने शुरू में देखा कि जो मैक्सिमम होता है तो एक्स आर डी एक पीक आती है वहाँ पर कि जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो और यहाँ से हम ये भी देखेंगे कि जो हमारे पास एफ सी सी की अगर ओरिजिनल लैटिस एफ सी सी है तो उसकी बी सी सी क्यों होती है, और बी सी सी है तो उसकी एफ सी सी रेसिप्रोकल लैटिस एफ सी सी क्यू बनती है। अच्छा अब जो एम्पलीट्यूड ऑफ एक्स रे स्कैटर्ड वेव है उसको हम लिख सकते हैं एस जी इज इक्वल टू समेशन जे वेरीज फ्रॉम वन टू एन एफ आई ई रेज पावर आयोटा जी डॉट आर जे।
अब इसमें बेसिकली आर जे जो है वो पोजिशन वैक्टर है कि अगर आपने जो प्रिमेटिव यूनिट सेल लिया हुआ है, सपोज कर लें कि ये प्रिमेटिव यूनिट सेल था, तो उसमें ये इस केस में अगर ये FCC है तो आर उनके उन एटम्स की पोजीशन आ जाएंगी जो इस प्रिमेटिव यूनिट सेल में लाई कर रहे हैं, इनके इसमें ये ओरिजिन पर था तो इसकी पोजीशन आर क्या हो जाएगा, एक्स वाई जी तीनों जीरो हैं तो जीरो जीरो जीरो। इसके लिए आर क्या हो जाएगा, ये हमने पहले निकाला, इसके लिए आर आ जाएगा 1/2, 1/2 जीरो। इस तरीके से इसके लिए आर क्या आ जाएगा, वो जो हमने यहाँ लिखा था जीरो 1/2, 1/2, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए भी आर की वैल्यू ये है, मीन आर जो है इस जो उस रिलेशन में वो इनके ये पोजिशन वैक्टर्स हैं, किन के, जो एटम्स प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर आ रहे हैं उनके पोजिशन वैक्टर्स हैं आर जे। ये अब आर वन आर टू भी हो सकता है, आर वन आर टू आर थ्री भी हो सकते हैं, आर वन आर टू आर थ्री फोर हो सकते हैं, जितने एटम्स आ रहे होंगे उतने ही आर की वैल्यूज आएंगी। अच्छा, अब इसमें एस जे इज कॉल्ड स्ट्रक्चर फैक्टर, ये टोटल है, एस जे इज स्ट्रक्चर फैक्टर, एंड एफ आई और एफ जे इज कॉल्ड अटोमिक फॉर्म फैक्टर। अटोमिक फॉर्म फैक्टर ये बताता है कि जो एक्स रेज हैं वो एक एटम से किस तरह स्कैटर हो रही हैं, इनकी जो एक एटम की कंट्रीब्यूशन है, अब एक एटम के अंदर उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो वो एक्स रेज उन इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट होकर किस तरह जो है वो वापस डिफ्रैक्ट होती हैं, वो एफ जे इज कॉल्ड अटोमिक फॉर्म फैक्टर। सो अटोमिक फॉर्म फैक्टर रिप्रेजेंट स्कैटरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम एटम, के एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अंदर कितनी स्कैटरिंग हो रही है, वो फैक्टर कौन सा है, एफ जे। और अब तो एक ये एक एटम से हो गया ना एफ जे, अब उस प्रिमिटिव यूनिट सेल में जितने एटम्स आ रहे हैं, जिस तरह हमने अभी देखा था कि जो ये वाला है प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये इससे जो बनेगा, जो मैंने ऑन कैंपस भी बनाया था बोर्ड पे, कि इससे जो बनेगा प्रिमिटिव यूनिट सेल, क्योंकि क्यूबॉइड शेप एक बन जाएगी, उसमें कितने एटम आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, तो एक एटम से जो एक एटम के इलेक्ट्रॉन से जो एक्स रेज डायफ्रेक्ट होंगी, इधर से आके डायफ्रेक्ट होंगी, वो क्या कहलाता है, वो उसकी जो कंट्रीब्यूशन कहलाती है वो अटोमिक फॉर्म फैक्टर है, और इन चारों एटम से जो होगी उन सब को ऐड करके वो टोटल क्या रहेगा, स्ट्रक्चर फैक्टर, ठीक है, स्ट्रक्चर फैक्टर इनके एक एटम, और ये प्लस इसको हमने जे वेरीज फ्रॉम 1 to n, मीन कि जितने एटम्स आ रहे हैं वो एन उतना हो जाएगा कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने एटम्स आ रहे हैं इज इक्वल, और फिर इसको सम अप कर लेंगे, ठीक है। तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि इसमें एफ जे इज कंट्रीब्यूशन ऑफ सिंगल एटम, ठीक है, एंड एस जे इज कंट्रीब्यूशन ऑफ द होल एटम्स इन साइड प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपके पास एक ही तरह के एटम्स हैं तो उसमें एफ जो होगा वो सबके लिए सेम होगा एटॉमिक फॉर्म फैक्टर, तो उसके लिए फिर जे की जरूरत नहीं, इसको आप अलग कांस्टेंट करके अलग कर सकते हैं, या एफ जे वेरीज फ्रॉम 1 to n ई रेज पावर आयोटा जी डॉट आर जे। चलो, अगर अब ये हमारे पास हो गया ना कि एक प्रिमिटिव यूनिट सेल से जो हमारे पास कितनी स्कैटरिंग हो रही है, कितना एम्पलीट्यूड आ रहा है, अब अगर हमारे पास एन प्रिमिटिव यूनिट सेल हैं, कैपिटल एन प्रिमिटिव यूनिट सेल हैं उस पूरी लैटिस के अंदर, तो जो टोटल लैटिस से जो स्कैटरिंग होके एम्पलीट्यूड आएगा, दैट इज स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, ठीक है, और डिफरेंट पीक, उसको हम लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू एन एस जी, के पूरी लैटिस से जो एम्पलीट्यूड आएगा इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू एन एस जी। एस जी क्या हो गया, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल से, ठीक है, एस जी इज एक वन प्रिमिटिव यूनिट सेल, एन इज टोटल नंबर ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल इन दैट लैटिस, सो एस आ जाएगा टोटल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड उस पूरी लैटिस से, ठीक है। अब हम ये जो हमारे पास है स्ट्रक्चर फैक्टर, ये हमें ये बताएगा तो जो एम्पलीट्यूड है, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड बताता है, तो ये बताएगा कि कौन कौन सी प्लेन से जो हमारे पास वो कितना एम्पलीट्यूड आएगा। इसमें जो प्लेन्स हैं वो जी के अंदर कवर हो जाएंगे, इसको हम आगे करेंगे भी सॉल्व। अच्छा, अब हमें पता है कि इंटेंसिटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्केयर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड स्केयर के प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब है कि एम्पलीट्यूड जो है वो यहाँ पर हम एस जी हम कह रहे हैं स्ट्रक्चर फैक्टर, सो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एस जी स्केयर। तो एस जी निकल के हम निकाल के तो हम ये बता सकते हैं कि उसकी जो एक्सरेज हैं उनकी जो स्कैटर्ड होके आ रही है उनकी इंटेंसिटी क्या होगी। तो अच्छा, जो एटॉमिक फॉर्म फैक्टर है एफ जे,
इसको अगर हमने इसकी वैल्यू निकालनी हो तो इसके लिए थोड़ा हमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा, तो इसको लिख सकते हैं एफ जे इज इक्वल टू डी वी एन जे आर ई रेस पावर माइनस छोटा जी डॉट आर। इसमें जो इंटीग्रल है ये पूरा जो है वो इलेक्ट्रॉन कंसनट्रेशन के ऊपर है कि उसके एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कंसनट्रेशन क्या है। तो हम तो जस्ट जो हम अभी करते हैं इसमें कि हम एफ जे की वैल्यू को जस्ट एज इट इज रहने देंगे स्ट्रक्चर, और वहाँ से हम ये देखेंगे कि किन प्लेन्स के लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर की फैक्टर की वैल्यू ज़ीरो या नॉन ज़ीरो आती है, वहाँ से हमें पता चलेगा कि वो प्लेन हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास डिफरेंट प्लेन्स सपोज कर लें कि वन वन प्लेन है, वन 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 प्लेन है और उसके लिए एस जी की वैल्यू ज़ीरो आ रही है, इसका मतलब है कि वो प्लेन हमें ऑब्जर्व नहीं होगा रिजल्ट में, जो एक्सरे डिफ्रैक्ट होके आएंगी उसमें रिजल्ट नहीं आएगा। और अगर 100 प्लेन है उसमें एस जी की वैल्यू नॉन ज़ीरो है तो वो प्लेन हमें ऑब्जर्व होगा। तो अब ये होगा कि ज़ाहिर है कुछ प्लेन इसमें से जिनके लिए कुछ प्लेन जिनके लिए एस जी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी वो जब ऑब्जर्व नहीं होंगे तो वो अगर पहले बी सी सी का तो बाद में वो बी सी सी शो नहीं होगा, कुछ और शो होगा, जिस तरह हमने देखा था कि वो बी सी सी के बजाय एफ सी सी शो हमारे पास बन जाते हैं। तो लेट्स अब हम इसको एग्जाम्पल करते हैं ताकि आप ये फर्दर ये जो है वो क्लियर हो जाएगा कैसे हम एस जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। एस जी की वैल्यू निकालने के लिए हमें स्ट्रक्चर फैक्टर का रिलेशन चाहिए, वो क्या है, एस जी स्ट्रक्चर फैक्टर एस जी इज इक्वल टू एफ जे रिज पर 1 to n ई रिज पर ओटा जी डॉट आर जे। अब ये हमें बेसिकली एस जी की वैल्यू निकालने के लिए हमें जी चाहिए और आर जे चाहिए। आर जे क्या है, आर जे उस प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर जितने एटम्स आ रहे हैं उनके पोजिशन वैक्टर्स हैं। सो अगर हम पहले एग्जाम्पल लें बी सी सी, बी सी सी क्रिस्टल है तो उसमें जो एक ओरिजिन पे एटम हो गया और एक हम कहते हैं कि जो उसका सेंटर वाला एटम है, एक ओरिजिन वाला हो गया और एक सेंटर वाला एटम हो गया, बिल्कुल बॉडी सेंटर पे जो एटम है उसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, 1/2, 1/2, 1/2। तो ये दोनों एटम से हम इसका प्रिमिटिव यूनिट सेल बना सकते हैं, मतलब तो पहले ये दो बनाए बाकी इनके पैरेलल बना लें। ये अगर आप याद हो तो हमने ऑन कैंपस ये बोर्ड पे बनाए थे बी सी सी के प्रिमिटिव यूनिट सेल। सो इसमें दो फिर हमारे पास हो जाएंगे एटम्स, एक आर वन और एक आर टू। आर वन इज इक्वल टू ज़ीरो क्योंकि वो ओरिजिन पर है, मीन के ये ज़ीरो है अगर, तो दो एटम्स आ जाएंगे, एक यहाँ पर है ठीक है और ये बॉडी सेंटर यहाँ पर, ठीक है। तो इसका ये तो ज़ीरो पर है, इसका तो पोजिशन वेक्टर क्या बन जाएगा, ज़ीरो। और जो दूसरा जो है ये वाला एटम है, ये वाला, ये इसका पोजिशन वेक्टर क्या बनेगा, 1/2, 1/2, 1/2, ठीक है। और इस साइड को अगर ए कह दें तो वो ए बाई टू अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ए बाई टू अलॉन्ग वाई एक्सिस, ए बाई टू अलॉन्ग जी एक्सिस। तो उससे ये बन जाएगा आर टू इज इक्वल टू ए बाई टू कॉमन ले लें तो एक्स प्लस वाई प्लस जी। सो ये हमारे पास आगे कि जो बी सी सी में, बी सी सी एटम में अगर उसका परमिटिव यूनिट सेल लें तो उसमें जो दो एटम आते हैं और उनकी पोजिशंस आर वन एक पोजिशन ज़ीरो और एक आर टू, ये आर वन आर टू हम यहाँ पुट कर लेंगे। आर जे क्या हो जाएगा, फिर जे हो जाएगा यहाँ पर फ्रॉम 1 to 2 और इसमें आर वन, जब जे वन होगा तो आर वन और दूसरा क्या हो जाएगा आर टू, और आर वन है ज़ीरो और आर टू है ये। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करें एफ ई रेस पावर, जब आर वन ज़ीरो पुट करेंगे यहाँ तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। सो वी गेट एफ ई रेस पावर ज़ीरो प्लस, अब ये समेशन मीन प्लस एफ ई रेस पावर, अब आर टू पुट करें, आर टू यहाँ पर पुट करेंगे तो इसकी ये वाली वैल्यू है 1/2, वो इधर पुट कर दें यहाँ जी डॉट ए बाई टू एक्स प्लस वाई प्लस जी, और यहाँ तक खत्म हो जाएगा क्योंकि आगे आर थ्री इसमें नहीं है, बस आर टू तक है। ये वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर ली। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ई रिस पावर 0 1 हो गया, एफ ई रिस पावर 0 1 हो गया यहाँ पर, और एफ ई रिस पावर ये आयोटा जी डॉट ए बाई टू ये एज इट इज। अब एफ दोनों में से कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस ई रेज पावर जी डॉट ए बाई टू एक्स प्लस। अब जी जो है, और क्योंकि ये हमने जब बी सी सी का प्रिमिटिव यूनिट सेल बनाया है तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स 1 होंगे, तो और वो सिंपल क्यूब
बन जाएगा सिंपल क्यू की तरह होगा, तो इसलिए हम इसमें जो इसका प्रिम टू यूनिट सेल होगा उसमें सिंपल क्यू के हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जो रेसिप्रोकल लेट इज वेक्टर जी इज इक्वल टू 2π/a m1x + m2y + m3z, ठीक है, ये सिंपल क्यूब के लिए जी की वैल्यू ये है। ये आई थिंक हमने यहाँ कहीं ये निकाली भी है, सिंपल क्यूब के लिए ये 2π/a x + 2π/a y + 2π/b z, तो जी की वैल्यू ये हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, जी इज इक्वल टू 2π/a m1x + m2y + m3z, ये वाली इसमें पुट कर लें यहाँ पर इधर, ठीक है। तो अब ये बीच में डॉट प्रोडक्ट है, याद रखने ये डॉट प्रोडक्ट है, तो इनका जब डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे किस किस का, एक ये और जी, एक ये जी की वैल्यू जब इधर आएगी, इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ये अपने मैथमेटिकली सॉल्व कर लेना है खुद, ए बाई टू ये अलग हो जाएगा, बाकी चीज़ें अलग हो जाएंगी, तो ये एक्स डॉट एक्स वन हो जाएगा तो एम वन रह जाएगा, फिर वाई डॉट वाई जी डॉट जी, तो हमारे पास रह जाएगा 1 + e^i, ये ए इससे कट जाएगा जब यहाँ पुट करेंगे, 2 2 कट जाएगा इससे, तो हमारे पास रह जाएगा पाई, ये वाला आयोटा और ये वाला पाई, ये बच जाएगा ये, तो 1 + e^i इंटू एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, ठीक है। इसमें मैं फिर रिपीट करता हूँ, आपने ये करना है कि जी की ये वैल्यू यहाँ पुट कर लेनी है, ए बाई टू 2π/a/2 बाहर आके सिंप्लीफाई होके वो एवटा पाई रह जाएगा, और अंदर जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो रह जाएगा m1 + m2 + m3, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा स्ट्रक्चर फैक्टर फॉर BCC लेटर्स, इसमें m1 m2 m3 वो प्लेन्स के डिफरेंट प्लेन्स के मिलर डिसीज हैं। अच्छा, अब इसमें देखें कि ये जो e^i है, ये -1 के इक्वल होता है, इसमें पुट करें ना e^cos θ + iota sin θ, और इसमें पाई पुट कर दें cos π + iota sin π, तो वो -1 आ जाएगा। सो e^iota π की जगह यहाँ पर इस पूरे की जगह e^iota π की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -1 और होल पावर ये सारा एज इट इज -1 m1 + m2 + m3 आ गया। अब इसको थोड़ा सा अगर हम देखें कि ये -1 की पावर ये सारा आ रहा है ना, ये सारी -1 की पावर है। देखिए अगर -1 की पावर ऑड हो जाए तो वो आंसर माइनस आ जाता है, -1 आता है, और अगर -1 की पावर इवन हो तो वो आंसर +1 हो जाता है। अब देखिए अगर ये पावर ऑड है, इस ऑड का मतलब यह है कि अगर m1 + m2 + m3 ये जो मिलर डिसीज हैं इन तीनों का सम अगर ऑड आ जाए तो ये -1 की पावर ऑड हो जाएगी और वो आंसर आ जाएगा -1, मीन 1 - 1, तो क्योंकि पावर आठ है ना, तो ये -1 बचेगा और वो क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब है कि ये स्ट्रक्चर फैक्टर फिर क्या हो जाएगा, 0। इट मींस कि वो प्लेन्स जिनके मिलर डिसीज का सम ऑड आ जाए उनके लिए स्ट्रक्चर फैक्टर 0 आ जाएगा, ठीक है। देखें जैसे ये एग्जांपल है 100 प्लेन, 100 यहाँ पुट करें, m11 है, m20 है और m30 है, यहाँ पुट करें 100, तो -1 की पावर 1 आ जाएगा जो कि -1 होगा, -1 - 1 = 0। इसका मतलब है कि जो BCC में 100 प्लेन है वो हमें ऑब्जर्व नहीं होगा, उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 0। इसी तरीके से 111 प्लेन, इनका सम करें 1 + 1 + 1 = 3, तो -1 की पावर 3, वो भी -1 आएगा तो वो भी 0। इस तरीके से 120 वो ये भी सम क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, तो वो भी 0 हो जाएगा। मतलब है कि ये प्लेन नहीं मिलेंगे, मीन कि जो भी प्लेन जिनके मिलर डिसीज का सम ऑड नंबर आ जाए, ऑड इंटीजर आ जाए, वो हमें उसका स्ट्रक्चर फैक्टर 0 हो जाएगा, वो नहीं मिलेगा। अच्छा, दूसरी कैटेगरी ये कंडीशन ये है कि अगर m1 + m2 + m3 ये तीनों को मिला के इवन नंबर आ जाए तो वो -1 की पावर इवन जब करें तो वो +1 हो जाता है, मीन कि -1 की पावर कोई भी इवन नंबर है, ऊपर 2 है, 4 है, 6 है, तो वो आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो 1 उस केस में क्या हो जाएगा, फिर 1, ये 1 और ये सारा +1, 1 + 1 और ये f, तो ये केस में क्या हो जाएगा, 2f। तो वो मिलर डिसीज जिनका सम इवन आ रहा हो वो क्या होंगे, उनका स्ट्रक्चर फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2f, और वो हमें क्या होंगे, वो मिलेंगे।
मीन के एस जी इज इक्वल टू टू एफ इफ एम वन प्लस एम टू एम थ्री इज एन इवन इंटीजर, कि इन तीनों का सम इवन आ जाए। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं लाइक 110, लेकिन इनको ऐड करें यहाँ पुट करें एम वन वन एम टू वन एम थ्री जीरो, वन प्लस वन टू, टू प्लस जीरो टू, माइनस वन की पावर टू वो प्लस वन हो जाएगा, और वन प्लस वन, वन प्लस वन टू एफ आ जाएगा। इस तरीके से इनका भी देखें वन प्लस वन टू फोर, ये भी ऑब्जर्व होगा, टू 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 सिक्स ये भी ऑब्जर्व होगा। ठीक, तो इट मीन्स कि ये बी सी सी के लिए जिन वैलिडिटीज का सम ऑड आ रहा है वो ऑब्जर्व नहीं होंगे, और जिनका सम इवन आ रहा है वो ऑब्जर्व होंगे। इसलिए ज़ाहिर है वो फिर जब हमारे जो ऑब्जर्व होकर हमारे पास जो लैटिस बनेगी वो नहीं होगी, बी सी सी नहीं होगी, वो कुछ और हो जाएगी। वो कौन सी होती है? वो एफ सी सी होती है, जो हम पीछे प्रूव कर सकते हैं, पहले प्रूव कर चुके हैं। अच्छा, अब इस तरीके से हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं। हमने कौन सी ली है? स्ट्रक्चर फैक्टर ऑफ बी सी सी। अब हम स्ट्रक्चर फैक्टर ऑफ एफ सी सी देखते हैं, उसका आपको मैं बेसिक बता देता हूँ। एफ सी सी के लिए हमने देखा था कि उसके लिए जो पोजिशन फैक्टर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं बी सी सी के लिए जो पेरिमीटर यूनिट सेल जो सॉरी वेक्टर्स थे वो हमारे पास क्या बने थे एफ सी सी के लिए, वहाँ पर भी मैंने यहाँ बनाए थे। ये जो एफ सी सी के लिए थे ना तीन चार, एक ज़ीरो और एक ए बाई टू एक्स प्लस बाई जी, फिर ये दो और थे, तो ये बने थे हमारे पास ये वाले। ठीक है, इसमें ए आई मीन हमारे पास बन जाएगा एक ज़ीरो 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 हो गया, और एक बन जाएगा एक को अगर हम साइड को वन कह दें तो वन बाई टू, वन बाई टू ज़ीरो क्योंकि वाई ज़ीरो है। फिर दूसरा क्या बन जाएगा ज़ीरो वन बाई टू, वन बाई टू, और तीसरा क्या बन जाएगा वन बाई टू ज़ीरो, वन बाई टू। इस तरह मीन हमारे पास जो एफ सी सी है उसमें ये चार वेक्टर्स बनते हैं। बी सी सी में दो थे ना, ये अगर आपको याद, बी सी सी में दो थे आर वन आर टू, और इसमें कितने बनते हैं? इसका पेरिमीटर यूनिट सेल है, इसके चार एटम्स आते हैं ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो वन बाई टू, वन बाई टू, वन बाई टू ज़ीरो, वन बाई टू, और वन बाई टू, वन बाई टू ज़ीरो। अब इन्हीं के अगर आप वो लिखें वेक्टर्स, इन्हीं को वेक्टर्स फॉर्म में लिखें, ठीक है, तो वो वेक्टर फॉर्म में यहीं बनेंगे, ये वाले, ये वाले, ये वेक्टर्स फॉर्म में आ जाएंगे। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाले। अब ये वैल्यूज़ आपने क्या करनी है, जिस तरह मैंने अभी बी सी सी के लिए की है, आपने ये वैल्यूज़ इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है इस रिलेशन में, स्ट्रक्चर फैक्टर में। यहाँ पर जिस तरह एक ये ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगा, फिर यहाँ पुट कर लेनी है इसमें यहाँ आर टू, ठीक है, फिर आर थ्री, फिर आर फोर, और प्लस के साथ। इस तरह ये जिस तरह यहाँ पे दो बने थे ना ई रेज पावर ज़ीरो प्लस एफ ई रेज पावर, उसमें ये चार बनेंगे, उनको फिर आपने सारा सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करके हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा एस जी इज इक्वल टू एफ वन प्लस ई रेज पावर माइनस ओटा बाय एम वन प्लस एम टू प्लस ई माइनस ओटा बाय एम वन प्लस एम थ्री प्लस ई रेज पावर माइनस ओटा बाय एम वन प्लस एम टू। ठीक है, ये स्ट्रक्चर फैक्टर की वैल्यू एफ सी सी के लिए इसकी करा जाती है। अब इसमें देखें कि अगर हमारे पास ये जो मिलर डिसीज है एम वन एम टू एम थ्री, अगर ये सारी मिलर डिसीज इवन हो, सारी इवन हो, मतलब एम वन भी इवन, एम टू भी इवन और एम थ्री भी इवन, या सारी आड हो, मीन के एम वन भी आड, एम टू भी आड, एम थ्री भी आड, मतलब इस तरह वन वन वन, वन थ्री फाइव, इस तरह सारी आड, या सारी इवन हो, टू टू ज़ीरो, टू टू फोर, उस केस में क्या एच जी की वैल्यू आएगी? फोर एफ, मीन के वो वाली प्लेन, जिस वो वाले प्लेन जिनके सारे मिलर डिसीज इवन हो या सारे मिलर डिसीज आड हो, मीन के मिक्स ना हो, या सारे इवन हो या सारे आड हो, वो प्लेन्स ऑब्जर्व होंगे। और अगर बीच में वो प्लेन जिसमें कुछ मिलर डिसीज इवन है कुछ आड है, जिस तरह प्लेन है वन टू थ्री, वन टू वन, अब वन टू वन में वन आड है टू इवन है, वो वाला प्लेन, उसके लिए एस जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। If indices are partly even or partly odd, then SG is equal to zero. ठीक है, तो वो प्लेन इसमें ऑब्जर्व नहीं होंगे। तो ये कुछ कंडीशंस हैं स्ट्रक्चर फैक्टर जिसे हम निकालते हैं, तो वहाँ से हम बताते हैं कि कौन से प्लेन ऑब्जर्व होंगे और कौन से नहीं होंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था, थैंक यू वेरी मच।